Hello everyone, we are taking one more example and let's try to solve this to the or let's try to convert this to the Grabeck normal form. तो जैसा मैंने आपको बताया था Grabeck normal form में conversion के लिए सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपके ग्रामर में कोई भी यूनिट और नल प्रोडक्शन नहीं है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है और कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है। तो आप वेरिएबल की रीनेमिंग करेंगे, एस को मान लीजिए कि ए वन है, इसी तरह से हम मान रहे हैं कि जो ए है वो ए टू है, और हम मान रहे हैं कि जो बी है वो ए थ्री वेरिएबल है, एंड अकॉर्डिंगली हम ये जो प्रोडक्शंस हैं इनको रीराइट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए वन प्रोड्यूसेस ए टू एंड ए थ्री, दूसरा प्रोडक्शन जो है ए प्रोड्यूसेस बी एस, तो हम कहेंगे ए टू प्रोड्यूसेस ए थ्री एंड ए वन ऑब्लिक स्मॉल ए। थर्ड प्रोडक्शन को भी राइट करते हैं, सो दिस इज ए थ्री प्रोड्यूसर्स एस मीन्स ए वन, एंड कैपिटल ए को हम कहेंगे ए टू एंड स्मॉल बी। सो अगर हम इनको नंबरिंग करें तो दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, प्रोडक्शन की हमने नंबरिंग कर दी है। नाउ अब हमारे पास जो प्रोडक्शन हमारे पास गिवन है उस प्रोडक्शन में हमें चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर पड़ा हुआ है लेट से आई, वो राइट हैंड साइड में जो पहला सिंबल है उसके नंबर से छोटा है या उससे बड़ा है। तो प्रोडक्शन नंबर वन के लिए आई छोटा है जे से, इट मीन्स ए वन की हम बात कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में पहला सिंबल ए टू है, सो ऑब्वियसली वन इज लेस देन टू। सेकेंड प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में टू है और राइट हैंड साइड का पहला सिंबल थ्री है, सो दिस टू इज लेस देन थ्री। थर्ड प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड का पहला सिंबल थ्री है और राइट हैंड साइड का जो सिंबल है वो वन है, सो थ्री इज नॉट लेस देन वन। इसका मतलब है कि थर्ड नंबर प्रोडक्शन मेरा टारगेट प्रोडक्शन है और इसी से हमें रिजोल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। सो वी हैव ए थ्री प्रोड्यूसेस ए वन ए टू ऑब्लिक बी अकॉर्डिंग टू दी थर्ड थर्ड नंबर प्रोडक्शन। सो इसमें हम जो ए वन है, ये जो पहला सिंबल ए वन है, उसको प्रोडक्शन नंबर वन के हिसाब से एक्सपैंड कर देते हैं। सो ए थ्री प्रोड्यूसर्स ए वन की जगह हम रख सकते हैं, राइट हैंड साइड में देखिए ए वन को, दैट इज ए टू ए थ्री प्रोडक्शन नंबर वन के अकॉर्डिंग। ए टू यहाँ पे पहले से था, अभी भी जो लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल है उसका नंबर ज्यादा है राइट हैंड साइड के पहले सिंबल से, तो राइट हैंड साइड का जो पहला सिंबल ए टू है उसको हम प्रोडक्शन नंबर टू के हिसाब से रिजॉल्व कर देते हैं। सो ए थ्री प्रोड्यूसर्स जो राइट हैंड साइड का पहला सिंबल ए टू है उसको हम पहले रिप्लेस कर रहे हैं ए थ्री ए वन से, और ए थ्री ए टू ऑलरेडी है हमारे पास। इसी के साथ साथ ए टू ए भी स्मॉल ए भी प्रोड्यूस करता है, तो स्मॉल ए हमने रिप्लेस कर दिया ए टू की जगह और ए थ्री ए टू ले लिया यहाँ पे, एंड देन वी हैव स्मॉल बी। सो आपको जो ये प्रोडक्शन मिल रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि वी हैव द लेफ्ट रिकर्शन, तो हम सबसे पहले लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करेंगे। तो लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा टाइप का, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा टाइप का। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, हम रिजॉल्व करते हैं ए प्रोड्यूसेस बीटा ए डैश ऑब्लिक बीटा, और ए डैश को हम रिजॉल्व करते हैं अल्फा ए डैश एंड अल्फा। इसी फॉर्म में इस ग्रामर को हम लेके आएंगे, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि ए थ्री मेरा ए है, ए थ्री मेरा ए है, ये पूरा पार्ट मेरा अल्फा है और ये वाला पार्ट मेरा बीटा है, ऐसा हम मान लेते हैं। अभी स्मॉल बी को छोड़ दीजिए, उसको हम नेक्स्ट राउंड में पिक कर लेंगे। सो वी हैव ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए थ्री प्रोड्यूसेस बीटा मीन्स स्मॉल ए ए थ्री ए टू एंड न्यू सिंबल ए डैश, न्यू सिंबल ए डैश ऑब्लिक बीटा मीन्स ए ए थ्री एंड ए टू। नेक्स्ट प्रोडक्शन कौन सा होगा, ए डैश, सो ए डैश प्रोड्यूसेस अल्फा, इट मीन्स ए वन ए थ्री ए टू, दिस इज अल्फा न्यू सिंबल ए डैश, और ओनली अल्फा इट मीन्स ए वन ए थ्री एंड ए टू। सो ये जो प्रोडक्शन ए थ्री वाला है, लेट्स से दिस प्रोडक्शन, दिस इज प्रोडक्शन नंबर फोर, एंड वी कैन से दैट द प्रोडक्शन नंबर फोर इज इन जी एन एफ। क्यों ये जी एन एफ में, क्योंकि इसमें
पहला सिंबल टर्मिनल है और फॉलोड बाय दी नॉन टर्मिनल्स। लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला प्रोडक्शन है, मान लेते हैं कि प्रोडक्शन नंबर 5 है, ये अभी जीएनएफ में नहीं है, तो हम इसको जीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे। ये जो A3 की हमारी वैल्यू आई है, अगर हम इसको सेकेंड नंबर प्रोडक्शन में रख दें तो शायद A2 भी रिजॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रॉम 2 एंड 4, सो 2 नंबर में, ये जो 2 नंबर का प्रोडक्शन है, A2 प्रोड्यूसेस A3, A1 एंड स्मॉल A, इसमें हम A3 को रिप्लेस कर देते हैं 4 नंबर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। सो A3 की जगह हमने पहले रखा स्मॉल A, A3, A2, A' और A1 मेरे पास पहले से है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें ये तो स्मॉल A, A3, A2 है और फिर A1 रख दीजिए क्योंकि तो A1 यहाँ पे सिंबल है। एंड देन एक स्मॉल A पहले से ही है, उसको भी यहाँ पे लगा लीजिए। थोड़ा सा पार्ट हम भूल गए हैं, हमें वापस आना पड़ेगा। वापस क्या आना पड़ेगा, इस स्मॉल B को हमने छोड़ दिया था, तो इस स्मॉल बी को पहले राउंड में मान लेते हैं कि ये जो ए स्मॉल ए A3 A2 है, ये β1 है और ये हमारा β2 है। तो ये जो β2 है, इसके हिसाब से भी, मैंने ए प्रोड्यूसर्स ए अल्फा और β2 के हिसाब से भी हम अगर रिजॉल्व करें तो लेफ्ट रिकर्शन को, तो हमें जो प्रोडक्शन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, A3 प्रोड्यूसर्स स्मॉल बी A' एंड स्मॉल बी। और नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या होगा, A' प्रोड्यूसर्स अल्फा ए डैश। सो अल्फा ए डैश मतलब अल्फा इज A1, A3, A2 एंड ए डैश एंड अल्फा हमारा है A1, A3 एंड A2। अगर आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल 5 नंबर वाला ही प्रोडक्शन है, तो इसलिए हमें इसको दोबारा से राइट करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा दीजिए। और ये जो A3 प्रोड्यूसेस बी ए डैश है, बी ए डैश एंड ऑब्लिक बी है, उसको आपको इंक्लूड कर लीजिए 4 नंबर के साथ में। तो मतलब 4 नंबर में हम थोड़ा सा एक्सपेंशन कर देते हैं, 4 नंबर में नया एडिशन कर देते हैं, 4 नंबर में कि बी ए डैश बी सी में आ जाएगा और स्मॉल बी बी सी में आ जाएगा। तो दिस एक्चुअली इज दी 4 नंबर प्रोडक्शन नाउ। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देते हैं, जो हमने यहाँ एक्सपेंशन किया था केवल दो ही सिंबल्स, दो ही राइट हैंड साइड से हमने रिप्लेस किया था, 4 राइट हैंड साइड के पार्ट्स हैं। तो स्मॉल बी ए डैश, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं A3 की जगह और A1 पहले से है। एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं कि स्मॉल बी है और A1 यहाँ पहले से है। तो ये जो A2 है वो कन्वर्ट हो गया है ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में, लेट्स से हमने इसको 6 मान लिया। ये क्यों ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि इसमें पहला सिंबल टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स, पहला सिंबल टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स, पहला सिंबल टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स, पहला सिंबल टर्मिनल एंड फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल। एक छोटी सी गलती हमसे हो गई है और वो गलती सिंपली यही है कि हमने यहाँ पे स्मॉल ए सिंबल को छोड़ दिया है, उस स्मॉल ए सिंबल को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो अब ये कंप्लीटली ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में आ गया। नाउ अब इसके बाद ये जो A2 की हमें वैल्यू आई है वो A1 में पुट कर दीजिए। सो A1 में अगर आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, A1 प्रोड्यूसेस A2 A3, ये मेरा कौन सा प्रोडक्शन कह रहा है, फ्रॉम प्रोडक्शन नंबर 1। और किस प्रोडक्शन नंबर के हिसाब से हम पुट करेंगे A2 की वैल्यू, दैट इज प्रोडक्शन नंबर 6। तो 6 नंबर के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि A2 की जगह हम वैल्यूज को रिप्लेस कर रहे हैं। सो A2 की जगह हम कहेंगे स्मॉल ए, A3, A2, ए डैश, A1, ये इस A2 की जगह वैल्यू रिप्लेस हुई और एक A3 यहाँ पहले से है, तो A3 ले लीजिए। ऑब्लिक में क्या लिखेंगे, इन द ऑब्लिक टू, लेट्स क्रिएट सम स्पेस हियर। ओके सो नाउ ऑब्लिक में हम लिखेंगे इस वाले के हिसाब से, सो स्मॉल ए, A3, A2, A1, वी आर रिप्लेसिंग दिस इन प्लेस ऑफ A2 और A3 यहाँ पहले से है। पब्लिक में हम लिख रहे हैं दिस वन, इसके हिसाब से, सो B A डैश A1 और A3 यहाँ पहले से है। एंड देन ऑब्लिक इसके हिसाब से लिखते हैं, सो B A1 एंड A3 यहाँ पहले से है। एंड देन स्मॉल A, इसको हम A2 की जगह रिप्लेस कर रहे हैं और A3 यहाँ पहले से है। तो हमने इस वाले प्रोडक्शन को
जो ए वन वाला है उसको भी ग्रैब एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप चेक कर सकते हैं कि टर्मिनल फॉलोड बाई नॉन टर्मिनल्स। तो लेट्स से ये मेरा प्रोडक्शन नंबर 7 है, तो प्रोडक्शन नंबर 7 को भी हमने ग्रैब एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास एक समस्या बस है कि 5 नंबर प्रोडक्शन हमारा ग्रैब एक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो हम 5 नंबर को एक बार फिर से लिखते हैं। सो ए थ्री ए डैश। सो दिस इज ए डैश प्रोड्यूसेस A1, A3, A2, ए डैश ऑब्लिक A1, A3 एंड A2। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्शंस हैं, दोनों को हम सेपरेटली लिख लेते हैं जिससे कि हमारा रेजोल्यूशन आसान हो जाए। सो एक है ए डैश प्रोड्यूसेस A1, A3 एंड A2। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसके हिसाब से रिजॉल्व करते हैं। सो हमें A1 की वैल्यू को रिप्लेस करना है प्रोडक्शन नंबर 7 से। सो फ्रॉम 5 एंड 7, 7 के हिसाब से हम यहाँ पे चीजों को लिखेंगे। सो ए डैश प्रोड्यूसेस A1 की जगह हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, देखिएगा स्मॉल ए, A3, A2, ए डैश A1, A3, ये वाला पार्ट है, और बाकी का पार्ट यहाँ पे सेम रहेगा A3, A2, A-। तो ये हमारा पहला पार्ट बना। देन हम इसके हिसाब से लिखेंगे। सो स्मॉल ए, A3, A2, A1, A3, और ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ही रहेगा। सो A3, A2 एंड A-। देन ऑब्लिक ये वाला पार्ट हम लिखते हैं स्मॉल बी, A-, A1, A3, और ये पार्ट हमारा ऐसे ही रहेगा। सो A3, A2 एंड A-। अब लिख करते हैं, अब इसके हिसाब से लिखते हैं। सो B, A1, A3, और बाकी का पार्ट ऐसे ही A3, A2, A-। एंड देन वी हैव A3, सो विल राइट इट एज A3 और फॉलोड बाई A3, A2 एंड A-। सो हमने ये रिजॉल्व कर लिया। एंड लेट्स से कि हम इसको एक नंबरिंग दे देते हैं, लेट्स मेक सम स्पेस, और इस वाले प्रोडक्शन को हम एक नंबर दे देते हैं। लेट्स से दिस प्रोडक्शन नंबर इज 8। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में आप देखें एक और प्रोडक्शन है जिसको हमें अभी रिजॉल्व करना है। सो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ए डैश प्रोड्यूसेस A1, A2, A3, तो इस A1 की जगह हम 7 से रिप्लेसमेंट करेंगे। सो ए डैश प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, A3, A2, ए डैश A1 एंड A3, और A3, A2 ऐसे ही रहेगा, A3 एंड A2। एंड ऑब्लिक में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला हम लेते हैं ये वाला पार्ट। सो स्मॉल ए, A3, A2, A1, A3 एंड A3, A2 ऐसे ही रहेगा। देन हम इसके हिसाब से लिखते हैं। सो स्मॉल बी, ए डैश A1 एंड A3, और A3, A2 हमारा ऐसे ही रहेगा। ऑब्लिक करते हैं फिर इस वाले पार्ट के हिसाब से लिखते हैं। सो दिस इज बी, A1, A3, और A3, A2 हमारा ऐसा ही रहेगा। तो हम जो रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं वो केवल A1 की जगह कर रहे हैं। देन लास्ट वाला स्मॉल ए, A3 एंड A3, A2 हमारा ऐसा ही रहा। इस प्रोडक्शन को हम मान लेते हैं ये दिस इज प्रोडक्शन नंबर 9, और प्रोडक्शन नंबर 9 जो हमारा है वो ग्राइबक नॉर्मल फॉर्म। नाउ हमने शायद सारे प्रोडक्शंस को ग्रैबिक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो आइए जस्ट हम एक फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस किस को हमें ये नंबर देना है कि वो ग्रैबिक नॉर्मल फॉर्म में है। सो फर्स्ट A3 वाला प्रोडक्शन जिसको हम कह रहे हैं ग्रैबिक नॉर्मल फॉर्म में, A3 वाला हमारा जो प्रोडक्शन है वो है प्रोडक्शन नंबर 4। सो प्रोडक्शन नंबर 4 इज इन द GNF। सिमिलरली प्रोडक्शन नंबर 6 जो कि A2 वाला है, और इसके अलावा लेट्स मार्क आउट सम अदर्स, 7 नंबर जो A1 वाला है, 8 नंबर जो A- है, और 9 नंबर जो A- है। सो 4, 6 हमने सेलेक्ट कर लिया है।
then 7 number production, then 8 number production, and 9 number production. So these are in GNF. So GNF जो है उसको कंप्यूट करना थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट इट इज वेरी इजी टू डू. सो इफ यू कीप द पेशेंस, इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स ऑन GNF इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स.